आपके सीबीएसई बोर्ड की रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, ठीक है। आपकी कितनी फीस लगेगी उसका अनाउंसमेंट मैं आज अभी फाइनल हो जाएगा तो ग्रुप पे कर दूंगा, ठीक है। और किन बच्चों ने अभी तक मेल आईडी अपडेट नहीं करी है, याद करिए, मैंने आपको एक एक्सेल फाइल डाली हुई थी ग्रुप पर, डाली थी ना, उसमें मैंने बोला था आप सभी बच्चे अपनी मेल आईडी अपडेट कर दें, और बहुत सारे बच्चों ने अपनी मेल आईडी अपडेट नहीं करी है, अभी भी मेल आईडी में जो भेजे नहीं है, तो आज मैं उसे पिन कर दूंगा उस मैसेज को, और जिन बच्चों ने अपनी मेल आईडी अपडेट नहीं करी है वो कर दीजिएगा। 14 तारीख तक, आज कितनी तारीख हुई, 14 तारीख तक आप सभी बच्चों को अपनी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी है। मैंने बोला था ना एक फीस जमा करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट होगी, साथ ही साथ आपका फोटो होगा, फोटो आपके एक सिस्टम के थ्रू होता है, इसमें आपको फोटो लगाया जाएगा, फोटो के नीचे आपका नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद जिस तारीख को फोटो होगा वो डेट डाली जाएगी, यहीं पर खींचा जाएगा और अभी ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म में आना है आपको, सभी बच्चों का यूनिफॉर्म में फोटो खींचेगा, बैकग्राउंड व्हाइट होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, फोटो खींचेगा, फोटो के नीचे आपका नाम मेंशन होगा और डेट आप सिलेक्ट रहेगी किस तारीख को फोटो लिया गया। सभी बच्चे आप यूनिफॉर्म में आएंगे, किसी भी दिन आपका नंबर लगाया जा सकता है फोटो खींचने के लिए, किसी भी दिन, तो डेली वैसे मैं आज कह दूंगा सभी बच्चे अपने बाकायदे के लिए बच्चों का फोटो खींचा, अपना हर चीज मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। और फोटो खिंचाना दो चीज से तीन चीजों की आप देखा है, फटाफट पहला समय से आपको रजिस्ट्रेशन की पे करनी है, इतनी मैं बता दू, एक पॉइंट समय से फोटो आपको खिंचवाना है, वो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड में होगा, जैसे कि मैंने कहा कैमरा मैन बुला दिया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चों का फोटो इस्तेमाल होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, उसके नीचे नाम नाम कौन लिखेगा, डेट डालना है फोटो के नीचे, इतना आसान नहीं होता, आउट करेगा। दो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक्सेल शीट मैंने शेयर करी थी, एक्सेल शीट शेयर करी थी ना, उसमें आपका ईमेल आईडी अपडेट करनी, तीन काम करने हैं और इसकी लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2021, और आप ये समझ गए होंगे कि मुझे डेट का पावन, मुझे काम समय पर चाहिए, 14/12/2000 आज से आपके पास 5 दिन, समझ में आ गया। रेगुलर आप फीस सभी भी सबमिट कर सकते हैं, वो मैं आज शाम को अनाउंस कर दूंगा, जैसे कि मैंने कहा क्या हो सकता है अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसके बाद आपको उचित फाइनल कर दिया, ठीक है ना, जिसमें आपका सारी फीसें शामिल कर दी जाएगी, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो फीस उसमें नहीं देते, फोटो का देगा तो फोटो का कितना लगेगा, क्या है कैसे, वो भी डिस्कस हो जाएगा, तो जो लगेगा सारे बच्चों पर यूनिफॉर्म लगेगा, एक समान लगेगा, समझ में आ गया। तो मैं आपको बता दूंगा फोटो आपको यहीं से मिल जाएंगे, फोटो का काम होता है, ये चीज आपको ऑनलाइन अपडेट करनी है जिससे कि आपका डेटा जब कंबाइन किया जाए तो समस्या पैदा नहीं हो, बाकी आपका सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ क्योंकि ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि ये चीज मैंने आपसे लेकर रखी थी, याद करिए मैंने सब बच्चों से फोटो लिया था, फोटो का चस्पा भी किया था,
लेकिन नियम बदल गया। नियम ये है बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, दूसरा पोर्टल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, आपका नाम, आपका नाम और उसके नीचे क्या लिखना चाहिए, डेट। तो भाई फोटो पर नाम और डेट भाई बैकग्राउंड मेरा मान ना के बराबर फोटो में था, ये दिक्कत है कि ये किधर मेंटेन करनी पड़ेगी। और एक्सेल शीट पर, एक्सेल शीट पर आप लोग अपना ईमेल आईडी अपडेट कर दीजिएगा और साथ में शायद मेरे मोबाइल नंबर भी ले जी, बोला हुआ था मोबाइल नंबर मैंने डाला हुआ है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज का अगला पॉइंट शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में स्टॉक सलाह हो गया, आज हमें करना है टर्मिनल गुलाब। टर्मिनल बेटा, जो पुराना लेक्चर है वो आप देख जरूर लीजिएगा, अगर नहीं देखा है, अगर आपने देख लिया था बहुत अच्छे बच्चे, अगर नहीं देखा है क्योंकि सारा टॉपिक करता है रिलेट करता है, पुराना लेक्चर देखना उसे समझना, कोई दिक्कत है तो आपको पूछना, ये सारा आवश्यक पहलू है। तो इन विच दैट पर्टिकुलर जार इज फिल्ड विद ऑप्यू हैविंग हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने एक विशेष प्रकार का फ्लूइड रखा हुआ है। मैंने कहा ये जो फ्लूइड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, इसका डेंसिटी कितनी है सिग्मा। लेट आवर स्फेरिकल बॉडी हैविंग रेडियस r moving with terminal velocity in this particular manner, हमने माना कि यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी की रेडियस कितनी है r है, जिसकी की डेंसिटी कितनी है रो है। हमने एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया, स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी कितनी है बेटे रो, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना है r, और जो हमने फ्लूइड लिया हुआ है उसकी डेंसिटी है, और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है ये कल मैंने डिस्कस कर दिया, एक बार पुनः बता देता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट रेट इन फ्लूइड। वो वस्तु की गति टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, यदि कोई वस्तु किसी फ्लूइड में फेंकी जाती है, मूव कराई जाती है, वो एक समान उसकी गति क्या करती है, मूव करती है, तो मैक्सिमम एक समान जो उसकी गति है मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ गया, अब इसी के हमको डिस्कस करना है। अब आइए जरा देखिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस लगेंगे। द फर्स्ट फोर्स इज वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज लाइन डाउनवर्ड, इसमें पहला जो लगेगा वो क्या लगेगा वेट, इधर क्यों लगेगा नीचे क्यों, वेट ऑफ बॉडी इधर लगेगा बेटे, आप जानते हैं कि पहला फोर्स क्या लग रहा है, पहला फोर्स लग रहा है वेट ऑफ बॉडी कितना, इधर क्यों लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, बढ़िया समझ में आ गया, ओके। और कौन से फोर्सेस लगेंगे, द फर्स्ट फोर्स इज एफ टी, थ्रस्ट फोर्स, कौन से फोर्स लगेगा, यू नो द थ्रस्ट फोर्स, द थ्रस्ट, दूसरा फोर्स लगेगा एफ टी, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा बिल्कुल अपवर्ड, इधर क्या लगेगा, और ये इसके बाद आप लोग का मेन चीज लिखना है, दिस इज द
लिक्विड डिस्प्लेस बाय वॉल्यूम, इसके बराबर होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय वॉल्यूम। क्या लिखे, मास लिक्विड लिख दो, लिक्विड डिस्प्लेस बाय वॉल्यूम, लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय वॉल्यूम, बाकी हम मास की बात करेंगे, कितना मास उसने डिस्प्लेस किया, या मास किलो, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द, समझ आ गए ना। मतलब जब ये आप कोई भी चीज ले ली, से ग्लास ले, ग्लास को आप पानी में डिप करते हैं तो पानी का लेवल ऊपर नहीं आता, तो कितना आया ऊपर, उसका मास कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, वही बल ऊपर क्यों लगता है। रिमेम्बर मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि जैसे हम एक बकेट ले लेते हैं, उसमें एक ग्लास डालते हैं, ग्लास को दबाएंगे तो ग्लास दबेगा, छोड़ देंगे देन जो कितना ऊपर आता है, वो भी एक प्रकार का अपथ्रस्ट फोर्स ही तो है, जिसकी जो अपथ्रस्ट फोर्स वो होता कितना है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, उसी के वो इक्विवेलेंट होता है। और दूसरा एक और फोर्स होता है, दैट इज योर ड्रैगिंग फोर्स, जिसकी चर्चा कल हो चुकी थी। और अगला कौन सा लगेगा, एफ बी, इसका मान कितना होता है, 6 पाई ईटा आर भी मैंने कल निकाला था, और ये किधर क्यों लगेगा, इसका आपको लाइन अब इधर क्यों लग रहा है, यू कैन सी व्हेन एनी बॉडी मूविंग विद जनरल वेलोसिटी ही पोजेसेस थ्री फोर्सेस, वन वेट ऑफ द बॉडी लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रस्ट अपवर्ड एंड विस्कस फोर्स आल्सो वर्टिकली अपवर्ड। And this particular object moving with uniform velocity, it means these two forces are equal. On equilibrium position, and you have the tension equilibrium. In equilibrium, what happens? Ft plus Fb equal to zero. अगर equilibrium की position आएगी, तो आप पहली बात याद रखें, upward forces और downward forces क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं बता दीजिए, गुड बेटा। आइए अब एफ टी निकालिए, अभी अभी मैंने आपसे कहा एफ टी क्या है, मास ऑफ लिक्विड स्पेस बाय द बॉडी, मास की बात करते हैं, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि एफ टी क्या है, एफ टी है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, वेट, और इस वेट क्या है आपका, ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या लिखते हैं, ग्रेविटी को होगी तभी तो मास बनेगा, यहां से यहां तक क्या बन जाता है आपका, मास, ये आपका क्या बन जाता है, एम इनटू जी, फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू एम जी, एंड दिस इज द प्लस एफ बी इक्वेशन देखो बेटा, ये था वॉल्यूम एंड डेंसिटी, किसका, इसका, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम इधर बनेगा 4 बाई 3 पाई आर, क्योंकि ये स्फेरिकल है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4 बाई 3 पाई आर इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी कितना हो गया बेटे, रो इनटू ग्रेविटी कितना हो जाता है, जी प्लस एफ डी प्लस 6 पाई ईटा आर डी इक्वल टू दिस 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इनटू इनटू सिग्मा इनटू जी, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी भी है, तो सब ये चीजें लिखते हैं, आपको भी डाउट चल जाएगा, क्योंकि बना डाली डाउट नहीं है ना, क्या बनेगा,
6 pi eta r, that is equal to, अगर ये निकालेंगे इसमें से घटेगा, जल्दी बताइए कौन किसमें से घटेगा, बोलिए बोलिए, बोलो भाई एक चीज हाँ इसमें उल्टा होगा ना, उल्टा हो गया, हमें उल्टा दे दो, उल्टा क्या होगा, उल्टा ये हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया भाई, एक्चुअली क्या था थ्रस्ट को थ्रस्ट किस पे लगता था, बॉडी पे लगता, और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी मानी है, इसकी कितनी मानी है, और ये था कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो वॉल्यूम का होता था, वो लिख देते हैं 4 बाय 3 बाय r क्यूब इनटू डेंसिटी की स्क्वायर की क्यूब की क्यूब की है सिग्मा, हमने यहां क्या ले लिया था, अब यहाँ पे क्या लेना है, रो, यहाँ क्या लेना था, डेंसिटी आपस में क्या हो गई थी, इंटरचेंज हो गई, डेंसिटी क्या हो गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीजें फिर वही आगे पीछे नहीं बिटी, डेंसिटी हमने माना डेंसिटी कितनी है, रो, इसकी कितनी है, इसकी है सिग्मा, इसकी है रो, फिर दोनों सिंबल कितने हैं डेंसिटी के, वो हम अपने हिसाब से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसा बुक में मेंशन है वैसा चले, जिससे कि चेंज ना हो, तो अब बेटा क्या बनेगा, अगर आप इसको चाहिए तो इसमें से ये काम जाएगा 4 by 3 by r cube minus 4 by 3 by r cube sigma g, rho g है sigma g, आ गया कुछ कॉमन मॉमन ले लेते हैं, देखने में तो जैसा लगता है देखने में कितना अच्छा लगे, कई कपड़े तो सभी पहनते किसी की बटन से लगी होती है तो अब जो काटता है जो बचता है ठीक है ना,
अब देखिए, we got a formula b equal to two r square rho minus sigma into g upon nine eta. क्या हो गया? ये फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, और ये डेरिवेशन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको प्रॉपर वे में आप एक आध दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे भी सारी चीजें मेमोराइज हैं। यस सर। भाई आगे चलते हैं, एक नोट स्पेशल आपके लिए है, इफ देयर इज रो इज लेस देन सिग्मा, अगर ये रो सिग्मा से क्या हो, छोटा हो, अगर रो सिग्मा से क्या हो, छोटा, और आप पहली बात जानते हैं हम केस लेते बबल, क्या केस ले बबल, बबल सुनते बिल्कुल कौन है बबल, अब हमने क्लोज नहीं लिया, सॉलिड नहीं लिया, अब हमने यहाँ पे एयर लिया, तो वो क्लियर नहीं है इसका एयर बबल, हमने क्या रीजन किया, कॉमन सी बात है, अगर एयर बबल होगा तो एयर बबल की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी सही है, और पानी की डेंसिटी वाटर डेंसिटी कितनी होती है, एयर डेंसिटी कितनी होती है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब ये है ये बबल नीचे ना जा पाए, बच जाएगा, क्योंकि घर नीचे तो होती है ना बबल, और आपको देखना भी होगा अगर पानी का बुलबुला पानी में रहता है अंदर तो हमेशा कहाँ आता है, ऊपर जाता है, देखा ना आपने, इससे बात प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, आप एक चीज बताइए, आपने बहुत सारी चीजें देखी, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपने लिक्विड देखा सिंपल, कौन से लिक्विड जो आप पीते हैं, ठीक है, आपने देखा ब्रेक ऑयल, देखा, यस सर देखा है, आपने देखा गियर ऑयल, गियर ऑयल, आपने देखा इंजन ऑयल, इंजन ऑयल, और आपने देखा पेट्रोल, आप जरा मुझे बताइए हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड फ्लूइड, ब्रेक ऑयल फ्लूइड, गियर ऑयल फ्लूइड, इंजन ऑयल फ्लूइड एंड पेट्रोल फ्लूइड, आपके सामने मैंने बहुत सारे फ्लूइड दिख दिए, इन फ्लूइडों को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोई बच्चा कहता है इसमें रेड होता है, रेड रेड इज द कलर, यस सर रेड इज द कलर, रेड के आधार पर हम से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बताइए बताइए, साइंटिफिक पे थोड़ा सा सोचिए, अपनी जो थिंकिंग है ना वो थोड़ा साइंटिफिक करिए, ठीक है, मस्ती वाला मूड नहीं होना चाहिए, लर्निंग का है कंसेप्ट, लर्निंग थोड़ा सा करो हाँ से सीखेंगे तो लर्निंग अच्छी होती है, अगर हम उसे लाइट लेंगे तो लाइट पर लर्निंग हो जाती है, लर्निंग का मतलब होता है सीख, तो आप सीख रहे हैं, जरा बताइए सिंपल से कंसेप्ट आ जाता है, कैसे पहचानते हैं, आपने मिस्त्री को देखा है, आपने जो मैकेनिक्स होते हैं उनको देखा है, आप अगर अपनी मशीन को उनके पास लेके जाते हैं तो मोबाइल को कैसे चेक करते हैं, बताइए मतलब कैसे चेक करते था वो कैसे चेक करते, हाँ अभी तो ठीक है यार अभी सर्विस नहीं करा ले जाओ इसे, ऐसा नहीं ये तो वो बात हमें जो नहीं होती थी हमने चेक करवाना, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने सबने देखा है आप भूले हुए आप फोकस नहीं करते,
जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं वो गेट निकालता है पटक अंदर से और मोबिल को हाथों में से लेकर देता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, यानी वो उसकी विश्वसनीयता चेक करता है, क्या चेक करता है, और उसे खुद भी नहीं पता क्या चेक कर रहा है, लेकिन वो उसकी विश्वसनीयता चेक करता है। यदि वो पढ़ा लिखा है तो उसे पता हो क्या चेक कर रहा है, लेकिन अगर वो ट्रेंड हो गया मिस्त्री बन गया तो उसको कंसेप्ट नहीं पता है साइंस के, लेकिन तरीका पता है, कंसेप्ट नहीं पता है लेकिन उसे पता है ऐसे ऐसे चेक होता है, वो ऐसे ऐसे उसकी चिपचिपाहट यानी कि विस्कोसिटी को चेक करता है कितना विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी खत्म हो गई। तो आपने देखा होगा ब्रेक ऑयल, आप ब्रेक ऑयल की विस्कोसिटी देखिएगा, आप गियर ऑयल की विस्कोसिटी देखिएगा, आप इंजन ऑयल की विस्कोसिटी देखिए, आप पेट्रोल की विस्कोसिटी देखिए, सबकी विस्कोसिटीज अलग अलग होती है। वाटर में आपको कोई चिपचिपाहट नहीं मिलेगी, तो कम से कम पीते हैं ये और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो शून्य होता है, जीरो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, शून्य होती है, कल मुझे बताते हैं। अच्छा, तो विस्कोसिटी का सबसे ज्यादा लाभ हमें कहां मिला है, दोनों पॉइंट दिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ढंग से सोचा जाए मुझे लगता ही आएगा। सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऐसा इसका मतलब नहीं निकलता, कुछ में छोटे क्वेश्चन नहीं आते, एक दो तीन पांच कैटेगरी कितनी होगी, वन टू थ्री फाइव, ये कैटेगरी तुम्हारे दोस्तों छह नंबर का समय भी गया है, जब आप टेंथ में थे तो आता था, यही है कैटेगरी क्वेश्चन, वन मार्क टू मार्क एंड फाइव मार्क्स, ये प्रश्न आएंगे और ये पहला पॉइंट देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज है, एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। चलो चलो इमेजिन करिए, जैसे कि आपने लिक्विड को लिया और लिक्विड को आपने एक स्पिरिट लैंप के ऊपर रख दिया, स्पिरिट लैंप को जला दिया, धीरे धीरे वो फ्लूइड क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होते ही कन्वेक्शन उसमें सबसे पहले बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन बढ़ने के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि वो फ्लूइड पतला हो जाता है, होता है नहीं होता पतला। अच्छा, लेकिन अगर वहीं पर आप गैस रख दें तो गैस में कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होता, गैस में वो भी ज्यादा उसकी स्पीड जो है आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, आरएमएस स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आरएमएस स्पीड बढ़ने के साथ साथ गैस मॉलिक्यूल का टकराव बढ़ जाता है, जिसकी उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, यदि आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, तो हमको किसकी बात करनी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी सबसे पहले किसकी, वाटर की, वाटर की विस्कोसिटी, फिर हमने बात की गैस की विस्कोसिटी, ऑन चेंजिंग टेंपरेचर वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी, वाटर की विस्कोसिटी घट जाएगी, जबकि गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, यस सर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हियर प्रेशर, और किसकी बात करेंगे, प्रेशर, रूट मल्टीप्लाई इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर, बढ़ा दे तब क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर बढ़ा दिया, तो हमने बात करी लिक्विड की, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, नीचे की ओर बढ़ना दिखा देते हैं,
तो ऊपर तो पढ़ो अति बढ़ना जी कर जाएगी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में आपने वाटर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी लगा, अब आपने गैस को जलाया, ठीक है। एक दूसरा आपने एक सिंपल भगोना लिया, उसमें आपने गैस जला दिया और उसमें पानी भर दिया, ठीक है, और दोनों में आपने चावल चढ़ा दिया, मान लिया चावल। अब आप ये बताइए सबसे जल्दी चावल किसमें पकेगा? मान लिया पकेगा, आपका जवाब एकदम सही है। अब आप क्या ये बताने की कष्ट करेंगे क्योंकि उस सिस्टम को हमने क्या कर दिया था, बंद कर दिया, जाके जल्दी प्रेशर क्या कर गया था, इंक्रीज कर गया था। तो प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया यानी कि लिक्विड लिक्विड का जो घुसपस्ती है वो बढ़ जाता है। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ गैस, क्या होगा सोचो, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगा? प्रेशर बढ़ा दिया। वैसे इस चीज को ना आप यूनिट नंबर 9 में बहुत अच्छा समझेंगे जब हम आपको लॉ पढ़ाएंगे, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजेक लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, वो सब यूनिट नंबर 9 में, वहां से ये सारी चीजें, वो सारी चीजों का रिलेशन मिल जाएगा। आगे फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स अब आप शांत रहेंगे तो फ्यूल डायनेमिक्स जल्दी हो जाएगा, और छोटे छोटे बातें जो समझना है, पहला स्ट्रीम लाइन फ्लो, पहला कौन सा था हमारा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, आवाज आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत अवॉइड कर रहा हूँ, मेरी पार्टी में ठीक है, ये अवॉइड कर रहा हूँ, ये सब कुछ होता है। स्टीम लाइन फ्लो क्या होता है? आपने कभी चींटियों के दंतिल का तारे देखी है? चींटियां अगर ऐसे चल रही है तो ऐसे ही मुंह करेंगे, ये वाली की प्यार में तो हो जाएगी, समझ गए? अगर ये वाली सीटी यहाँ है और जब यहाँ जाएगी तो ऐसे ही जाएगी, या अगर सीधे जा रही है तो सीधे ही जाएगी, मतलब उसके लाइनों में कोई चेंज नहीं है। ये उसी हिसाब से ये हमारा फ्लो होता है, ये फ्लूइड का ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड बिल्कुल एक नियम को फॉलो करता हुआ चलता है, जैसे बाहर फ्लूइड ऐसे गया, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ इसकी स्पीड हो गई, यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। जब स्पेशिंग मॉलिक्यूल यहाँ आता है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताओ, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेगा तब, यानी कि ये एक प्रकार के रूल को फॉलो करते हैं, ऐसा फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। आपने शायद देखा भी हो जो स्प्रे आते हैं, कोलिन का स्प्रे आता है, जब अपने घरों में ग्लास या टेलीविजन साफ करने के लिए, उसमें आप जरा देखिए उसमें ऊपर लिखा भी रहता है कि आप इसे किस मोड पर चलाना चाहेंगे, स्प्रे मोड पर चलाना चाहेंगे या स्ट्रीम मोड पर चलाना चाहेंगे, उसमें लिखा रहता है। तो जब आप स्ट्रीम मोड पर कर देते हैं तो सीधी सी लाइन निकलती है, और जब आप स्प्रे मोड पर कर देते हैं तो वाटर फव्वारा के सामने आ जाता है। समझ आ गया ना बात? तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। दूसरा क्यूब ऑफ फ्लो, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है बंच के फॉर्म में, इसके फॉर्म में देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन आर कंबाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ट्यूब ऑफ फ्लो। जैसे हम एक बंडल के फॉर्म में,
इसमें क्या होगा, मेरा ऊपर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस वो हिसाब होते हैं, ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं, फ्लो। आगे चलते ये तो समझना है क्योंकि आगे हम बात करेंगे तो चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट फ्लो है बेटे लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट फ्लो क्या है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार में आप समझिए, लेमिनार पे अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें तो ये मतलब जाता है लेमिन, और लेमिन का मतलब होता है भारत सत्य, समझ में आ गया। यानी कि जब पर्टिकुलर फ्लूइड एक लेमिन के फॉर्म में मूव करता है, किसके फॉर्म में मूव करता है, लेमिन परतु के फॉर्म में मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने देखा होगा नहर में जब पानी फ्लो करता है, नहर जब कैसे नहरें हैं, आपने नहर में पानी को छोड़ा तो सबसे पहले एक लेयर आती है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है, फिर तीसरी लेयर आती है, फिर चौथी लेयर आती है, और फिर आपके आपकी जो लहर है वो ऐसा लगता है पूरी भर गई, पूरी भर गई है, पूरी भर चलती है ना। लेकिन आगे वाली जो आगे वाला होता है तो उसे कितने की लेयर मिलेगी, उसके बाद मतलब उसे लेयर के फॉर्म में वाटर मूव करता है। ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, लेमिनार, क्या कहते हैं, समझ में आ गया मतलब। अगला पॉइंट आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वाटर फ्लो जिगजैग मोशन में हो, कहता हो डिसऑर्डरली फ्लो, जहां पर कोई ऑर्डर ही हो ना, कोई नियम हो ना कोई कानून हो, कुछ भी ना हो, ऐसा फ्लो क्या कहलाता है, टर्बुलेंट। कहां होता है ये जरा देखते हैं। यदि आपने देखा हो जैसे बांध से पानी नीचे गिरता है, बांध से जब पानी आता है तो बड़े नियम से आता है, लेमिनार फ्लो होता है, होता है, लेकिन जैसे जमीन में गिरता है ऐसे देखा वाटर जिगजैग मोशन होता है, उसका मोशन कैसे होता है, जिगजैग। या जब आप बड़ी नहर से छोटी नहर का उद्गम होता है, जब बड़ी नहर से आप देखिए छोटी नाले निकलती है तो यहाँ पानी देखो ऊपर नीचे गिरता रहता है, और लेकिन आगे जाते फिर ये मौसम कैसा होता है, आपको ठंड मिल रही है, जहाँ पर जिगजैग मोशन होता है वाटर का, और जहाँ पर इस सीधी रेखा में पानी बहता है आगे क्या है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है बेटा, ध्यान दो, रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके आधार पर आप वाटर का फ्लो टर्बुलेंट है या वाटर का फ्लो लेमिनार है, आप डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, मैंने लिखा होगा आप जरा देखिए, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 0 से लेकर 2000 कितना लेमिनार काम किया है, ये वाटर का फ्लो 0 कितना है, 2000 वो फ्लो कैसा होगा, आप रेनॉल्ड नंबर की फाइंड आउट द नेचर ऑफ फ्लो, और अगर ये 2000-3000 के ऊपर है, अगर 3000 से 3000 प्लस करता है तो कैसा हो जाएगा। अगला एक पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट छोटा है, आपके पेपर में
99.99% 5 मीटर पे आए। इसलिए कल आप लोग ऑनलाइन हो जाएंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, वो हर साल आती है, बहुत महत्वपूर्ण है बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे हमने क्यों लिया, क्या ले लिया बेटा मैंने, ऐसा ट्यूब लिया है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है वेरिंग, अगर आप यहाँ की बात करें यहाँ का क्रॉस सेक्शन अलग है, और अगर आप यहाँ की बात करें यहाँ का भी क्रॉस सेक्शन अलग है, तो हमने वेरिंग क्रॉस सेक्शन की चुनी है, हमने माना ये एरिया कितना बेटा A1, ये एरिया कितना है A2, हमने माना जो यहाँ पर वाटर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है A1, ध्यान से समझिएगा ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है A2, हमने माना तो यहाँ की डेंसिटी है वो A1 है, यहाँ की डेंसिटी कितनी जाएगी A2, समझ में आ गया, नियम क्या कहता है, मास एंड मास एंटरिंग पर सेकेंड इन ट्यूब एट पॉइंट A इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड एट एंड B, ये कहता है जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बाहर, जितना ही पानी अंदर जाएगा ट्यूब में उतना ही बाहर निकलेगा, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी ही क्यों ना हो, और यही कारण है आपने देखा होगा अगर ट्यूब में पानी आ रहा है अगर आप ट्यूब के मुंह को दबा देते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी, पानी उतना ही निकलेगा आएगा उतना ही, क्योंकि ये रूल है मास एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड, तो मास क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू क्या हो गया A1 B1 O1 N2 A2 B2 O1, ध्यान से समझिएगा A1 B1 O1 इक्वल टू A2 B2 O2, यदि हमने माना कि इस ट्यूब में जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, कहता है नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लूइड है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है सेम होती, इट मींस A1 V1 O इक्वल टू A2 B2 O2 बराबर बराबर हो गए, हमने क्या कर दिया हमने कहा O1 इक्वल टू O2 इक्वल टू O2 आपको क्या मिला, This is called equation of continuity. समझ आ गया? आज के लिए इतना ही, कल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।